हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के बारे में, जो इस बार के सेमेस्टर एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं व उनसे संबंधित बहुत सारी मिनी क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो इस कार से आज मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताने वाला हूँ। इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स आप सभी को इसका एक पार्ट और भी प्रोवाइड कराया था, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप सभी के चार चैप्टर को कवर किए थे, जिसका मैं फ्रेंड्स आप सभी को नाम बताऊँ तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकंड। उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, और उसी के साथ साथ मैं फ्रेंड्स आप सभी को बताऊं आप सभी का अपना फोर्थ लेसन सेल साइकिल, सेल डिवीजन और फ्रेंड्स सेल सिग्नलिंग के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन सभी का क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रोवाइड करा दिया था। उसके बाद से फ्रेंड्स उसके आगे का टर्न है, जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं तो चैप्टर 5 से फ्रेंड्स लेकर चैप्टर 8 तक के मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन आज के अपने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप सभी को बताऊं तो मेंडल्स एंड सेक्स डिटरमिनेशन से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आप सभी को देखने को। उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं तो एक्सटेंशंस ऑफ मेंडलिज्म जीन्स एंड एनवायरनमेंट से देखने को मिलेंगी। ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। और फ्रेंड्स इन्फेक्टेड डिजीज फ्रेंड्स इन चारों लेसन से देखने को क्वेश्चन आज के अपने इस वीडियो में देखने को आप सभी को मिलेंगे। तो इस कारण से मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं कल से कर सकता हूं, हो सकता है फ्रेंड्स बॉटनी को प्रोवाइड कराऊं, यदि आप सभी कमेंट करते हैं तो बॉटनी को प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन मैं आप सभी को बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को मैंने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया, आप सभी को 160 या 170 पेज का सॉल्यूशन मिल चुका होगा। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। जस्ट फ्रेंड्स कुछ लोगों को नहीं भी मिल पाया तो वो लोग मुझे कमेंट कर देंगे, मैं फ्रेंड्स उनको पर्सनली यहां पर सेंड भी कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि आज का हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आखिरकार है क्या। इससे पहले मैं फ्रेंड्स आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी वीडियो पर नए हो या पुराने हो और कह सकते हैं कि आप यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ही कर दें, जिससे फ्रेंड्स हम लोग का जो मोटिवेशन है वो फ्रेंड्स थोड़ा सा और भी इंक्रीज हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है, कह सकते हैं आप फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि डिस्क्राइब मेंडल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर दैट लेड टू मेंडल्स सक्सेस। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें फ्रेंड्स आप को हमारे पहले क्वेश्चन में क्या कह सकते हैं कि फ्रेंड्स पूछा गया है, यानी फ्रेंड्स आप को हमारे पहले क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब मेंडल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मेंडल जी के जो नियम थे, उन्होंने जो फ्रेंड्स अपना एक्सपेरिमेंट किया था, उनके फ्रेंड्स कुछ कई सारे विधियाँ थी, कई सारे उनके फ्रेंड्स मेथड थे, उन सभी मेथड को आपसी को फ्रेंड्स क्या करना है तो डिस्क्राइब करना है फ्रेंड्स, उन सभी मेथड को आपसी को एक्सप्लेन करना है एंड डिस्क्राइब द फैक्टर दैट लेड टू मेंडल सक्सेस। यानी कह सकते हैं कि मेंडल ने फ्रेंड्स अपने एक्सपेरिमेंट में फ्रेंड्स कुछ फैक्टर लिए थे, कुछ फ्रेंड्स तथ्य लिए थे, या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उनके सक्सेस में मेंडल जी के जो फ्रेंड्स नियम थे उनको फ्रेंड्स सक्सेस करने में ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिन्होंने फ्रेंड्स बहुत ही अपना बड़ा योगदान दिया, तो उन सभी फैक्टर के बारे में फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी के पहले क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन होगा, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब, यानी फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ टेबल एग्जांपल और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन लॉ ऑफ प्रोग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कह सकते हैं कि असॉर्टमेंट, यानी कह सकते हैं कि जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि मेंडल जी ने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने मटर के पौधों पर या जो फ्रेंड्स पीज प्लांट्स होते थे उन्हीं के ऊपर फ्रेंड्स अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उनके बाद फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मेंडल जी ने फ्रेंड्स अपने तीन नियम बहुत ही अच्छे अच्छे नियम दिए थे। पहला जो फ्रेंड्स इनका नियम था वो फ्रेंड्स था स्वतंत्रता स्वतंत्र अभिहवन का नियम, दूसरा जो फ्रेंड्स था वो था फ्रेंड्स पृथककरण का नियम, और जो फ्रेंड्स तीसरा इनका जो फ्रेंड्स नियम था वो किसका था फ्रेंड्स, तो वो प्रभावता का नियम। आप फ्रेंड्स थोड़ा बहुत इधर हो सकता है कि इधर उधर हो गया हो तो आप लोग अरेंज इसका बड़े अच्छे तरीके से कर लेना कि फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है और थर्ड पर कौन है। तो जो फ्रेंड्स ये तीन के तीनों जो फ्रेंड्स नियम थे इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से मेंडल जी ने एक्सप्लेन किया था।
तो फ्रेंड्स आपकी को हमारे सेकंड क्वेश्चन में जस्ट ये पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मेंडल जी का इनहेरिटेंस वाला जो फ्रेंड्स नियम था, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि इनहेरिटेंस का जो नियम था उससे संबंधित फ्रेंड्स उसका आपकी को सुटेबल एक एग्जाम्पल भी देना है। ये फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं तो करिए, नहीं तो फ्रेंड्स आपकी को एक राइट कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट, यहाँ पर फ्रेंड्स आर लगा तो आर का मतलब फ्रेंड्स होता है अथवा, यानी कह सकते हैं कि आप सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर लगाकर फ्रेंड्स एक सेकंड क्वेश्चन भी इसमें जोड़ा गया है कि लॉ ऑफ प्रिग्रेशन, यदि आप फ्रेंड्स प्रिग्रेशन के नियम को जानते हैं जो फ्रेंड्स मेंडल जी के द्वारा दिया गया था, तो फ्रेंड्स आप भी इस नियम को जानते हैं तो इस नियम को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिए, या फ्रेंड्स कह सकते हैं किसी के साथ फ्रेंड्स एक और भी मिनी क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उस नियम को भी जानते हैं तो आप कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिए। तो आप देखो फ्रेंड्स कंप्लीटली पता चल ही गया होगा कि फ्रेंड्स मां सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देन फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद हेल्प ऑफ टेबल एग्जांपल, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स मेंडल की जो इनहेरिटेंस के जो नियम थे उनको फ्रेंड्स आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए एक एग्जाम्पल के साथ। ये फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो करिए, नहीं तो फ्रेंड्स आपको एक कह सकते हैं कि शॉर्ट नोट लिखना है। फ्रेंड्स किसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, तो जो फ्रेंड्स सिग्नेशन के जो नियम थे व जो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो फ्रेंड्स नियम थे इन दोनों नियम के ऊपर फ्रेंड्स आपको क्या करना फ्रेंड, तो एक कि शॉर्ट नोट लिखना। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स काफी बार फ्रेंड्स हमारे बॉडी में पूछा भी गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, यानी फ्रेंड्स अपूर्ण प्रभाविता आखिरकार क्या होती है, इससे फ्रेंड्स आप भी क्या समझते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल विद एग्जांपल्स, यानी फ्रेंड्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको एक एग्जांपल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में फ्रेंड्स क्या करना है तो एक्सप्लेन करना। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया कि व्हाट डू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आप भी क्या समझते हैं एक एग्जांपल के साथ उसको फ्रेंड्स क्या कीजिए तो एक्सप्लेन कीजिए। तो ये फ्रेंड्स मार्क करने की तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स इसे अप कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप ही को बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो, तो आई होप आप ही को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप ही से ये पूछ रहा है, सॉरी फ्रेंड्स हाँ सॉरी फ्रेंड्स चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये क्या पूछ रहा है, तो ये फ्रेंड्स पूछ रहा है कि व्हाट इज टेस्ट क्लास एंड बैक क्लास। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप ही को टेस्ट क्लास और बैक क्लास के बारे में एक छोटे से टिपिकल पॉइंट में आप ही को बताया भी था, हो सकता है फ्रेंड्स आपको नहीं पता तो हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग वाले को बताता है। ये फ्रेंड्स टेस्ट क्लास और जो फ्रेंड्स बैक क्लास होता है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फ्रेंड्स इनसे संबंधित बहुत सारे कह सकते हैं कि पॉइंट हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स टेस्ट क्लास होता है जो फ्रेंड्स बैक क्लास होता है ये फ्रेंड्स आखिरकार क्या है इनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कह सकते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस भी क्या है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स वहाँ फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स वहाँ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स इससे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन कह सकते हैं कि हर साल हमारी बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप एंड गिव बेसिक डिफरेंस, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स जीनोटाइप होते हैं जो फ्रेंड्स फिनोटाइप होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि एक शॉर्ट नोट लिखना है एंड गिव बेसिक डिफरेंस और इनके बीच फ्रेंड्स आपको भिन्नता भी स्पष्ट करना है, यानी कह सकते हैं कि इनके बीच आपको क्या करना पड़ेगा तो कंपेरिजन करना फ्रेंड्स कह सकते हैं कि तुलना करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट करते हुए चलना कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस एंड गिव बेसिक डिफरेंस, यानी कह सकते हैं कि जो होमोजाइगस होते हैं जो फ्रेंड्स हेट्रोजाइगस होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स अभी को एक शॉर्ट नोट लिखना है, फ्रेंड्स इनके बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है एंड गिव बेसिक डिफरेंस और इनके बीच फ्रेंड्स आपको क्या करना फ्रेंड तो भिन्नता भी स्पष्ट करना है। ठीक कह सकते हैं कि पहले ही क्वेश्चन फ्रेंड्स पांचवे क्वेश्चन की बात फ्रेंड्स इनमें कह सकते हैं कि कंपैरिजन भी आपको करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन और जो फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है ये तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कारण से इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लेना और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि इन दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी था कि सेक्स लिंक्ड जीन क्या होते हैं और फ्रेंड्स सेक्स डिटरमिनेशन क्या होते हैं। मैंने फ्रेंड्स जितने भी मैं आपको बता दूं कि सात सात या आठ आठ पॉइंट को मैंने फ्रेंड्स अपने हर एक वीडियो में आपको बताया भी था
कि जो फ्रेंड्स हमारी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसमें फ्रेंड्स मैंने इन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड भी किया था और फ्रेंड्स मैंने मुझे याद है कि मैंने अपने साफी को ऑनलाइन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया भी था। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स इससे कुछ ना क्वेश्चन हम हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड, यानी फ्रेंड्स क्या कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सक्स डिटरमिनेशन, यानी कह सकते हैं कि सक्स डिटरमिनेशन से आप भी क्या समझते हैं या फिर लिंग निर्धारण से आप भी क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सक्स डिटरमिनेशन इन एनिमल्स, यानी कह सकते हैं कि जानवरों में जो फ्रेंड्स लिंग का निर्धारण होता है इसके जो फ्रेंड्स मैकेनिज्म होते हैं उनको फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है तो डिस्क्राइब करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सक्स डिटरमिनेशन, यानी फ्रेंड्स लिंग निर्धारण से आप सभी क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इन एनिमल, जो फ्रेंड्स जानवरों में लिंग का निर्धारण होता है उसकी जो फ्रेंड्स मैकेनिज्म है उनके बारे में फ्रेंड्स हमको क्या करना है फ्रेंड्स तो एक्सप्लेन करना है या फ्रेंड्स डिस्क्राइब करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप हमारे आठवें नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देंगे क्योंकि फ्रेंड्स मैं जैसे यहाँ पर एरो चलाऊंगा जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स इतना ब्लैक ही नजर आ रहा है तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसे नहीं पुटअप करूंगा। जस्ट फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से देखना कि व्हाट आर सेक्स लिंक्ड जीन्स, जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये भी बताया था कि सेक्स लिंक्ड जीन क्या होते हैं, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर सेक्स लिंक्ड जीन या फ्रेंड्स सेक्स लिंक्ड जीन क्या होते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ड्रोसोफिला में जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है उनके जो फ्रेंड्स बेसिक्स कह सकते हैं क्रोमोसोमल होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ टिप्पणी करना है फ्रेंड्स कुछ ना कुछ उनके बारे में कैसे देखिए यहाँ पर अकाउंटेड करना है। जस्ट फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आप को हमारे आठवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि सेक्स लिंक्ड जीन क्या होते हैं, जो फ्रेंड्स ड्रोसोफिला में सेक्स लिंक्ड जीन के जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके जो बेसिक क्रोमोसोमल के उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना था। तो ऐसा करता हूं फ्रेंड्स काफी को आठों के आठों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि और भी कितने क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। जस्ट फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और भी फ्रेंड्स कुछ नए नए और वॉच कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी को शो हो रहे होंगे। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करना है। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स ये हमारा अगला लेसन है। जैसे फ्रेंड्स में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए तो आपसे समझ जाइए फ्रेंड्स कि हमारा नेक्स्ट कर सकते हैं कि लेसन है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर मल्टीपल एलील्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, बहुगुणी एलील्स क्या होते हैं। डिस्कस देयर करेक्टर, उनके जो फ्रेंड्स करेक्टर होते हैं जो फ्रेंड्स उनके लक्षण होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स सबसे को क्या करना फ्रेंड्स टू डिस्कस करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स इन मैन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मानव में जो फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप्स हमारे होते हैं फ्रेंड्स ए बी और ओ इनके जो फ्रेंड्स इनहेरिटेंस हैं इनके जो फ्रेंड्स वंशागत हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो एक्सप्लेन करना। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज जीन इन इंटरेक्शन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जीन इंटरेक्शंस क्या होते हैं। ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे फ्रेंड्स कई सारे मिनी क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो जीन इंटरेक्शंस क्या होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स आपको उल्लेख करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा गया है और फ्रेंड्स ये भी इसमें पूछा जा रहा है कि डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ जीन्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स जीन्स के इंटरेक्शंस होते हैं इनके फ्रेंड्स वेरियस टाइप कितने हैं, फ्रेंड्स इनके कह सकते हैं कि कितने प्रकार होते हैं, उन सभी प्रकार का फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो यहां पर डिस्कशन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है इनके बारे में फ्रेंड्स आपको उल्लेख करना है। उसी के अंतर्गत फ्रेंड्स और भी एक क्वेश्चन इसमें फ्रेंड्स जोड़कर पूछा गया है कि एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, और फ्रेंड्स उनका एग्जांपल भी आपसे को एक बहुत ही सुटेबल एग्जांपल भी देना है। तो ये फ्रेंड्स हमारे चौथे क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है और आपसे एक एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एक्सप्लेन कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इंटरेक्शंस बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कह सकते हैं कि आप ही को फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है तो एक्सप्लेन द इंटरेक्शंस बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कह सकते हैं कि जीन्स और एनवायरनमेंट के बीच जो फ्रेंड्स आप ही के इंटरेक्शंस हैं या फ्रेंड्स क्या फ्रेंड्स आप ही के इंटरेक्शंस हैं उनका फ्रेंड्स क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया।
उसके बाद देखते फ्रेंड्स वहाँ छठवां और सातवां नंबर क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स छठवां और सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स वहाँ छठवां नंबर क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स काफी को शो हो रहा होगा कि डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा क्या पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इस बार की काफी बार बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स देखे हैं इससे संबंधित क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इन्फ्लुएंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, यानी कह सकते हैं कि आपको फ्रेंड्स एक इंट्रैक्शन देना है कि इनके बीच फ्रेंड्स इंट्रैक्शन देना है, तो सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इंक्लूड्स एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सेक्स और हेरिडिटी, जो हेरिडिटी सेक्स होते हैं इनके जो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस होते हैं इनके बीच, और आप ही को कह सकते हैं कि सेक्स लिमिटेड जो फ्रेंड्स कैरेक्टर होते हैं इन सभी के बीच फ्रेंड्स आप ही को एक इंट्रैक्शंस देने हैं, यानी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी का उल्लेख करना है। ये फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप ही को सातवां नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो रहा होगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन, यानी कह सकते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीसिपेशन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एंटीसिपेशन होते हैं इनके बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया, और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मैंने फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि टोटल मैंने आपका फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन बता दिए, तो आठ क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे पहले वाले में थे, उसके बाद फ्रेंड्स सात क्वेश्चन इसमें हो गए, तो आठ और सात फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन हो गए, तो 15 क्वेश्चन जस्ट अभी हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि और भी अभी कितने क्वेश्चन बाकी हुए हैं। जस्ट फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स फिर से हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने चार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर पुट अप किए हैं, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप ही को चारों जो क्वेश्चन हैं मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप ही को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये फ्रेंड्स चार के चारों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इस कारण से हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लेना, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ह्यूमन कैरियोटाइप एंड इंडियोग्राम। मैंने फ्रेंड्स इससे संबंधित आप को काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए थे, और मैंने फ्रेंड्स आप को एक ह्यूमन कैरियोटाइप और आइडियोग्राम पर कह सकते हैं कि एक आप को शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड कराया था, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि मानव कैरियोटाइप और आइडियोग्राम आखिरकार होते क्या है। इनके बाद फ्रेंड्स आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिख भी सकते हैं, मैंने फ्रेंड्स आपको बताया भी था। या फ्रेंड्स आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो को कह सकते हैं कि जो जूलॉजी का पार्टीशन है वहां फ्रेंड्स मैंने उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो हर एक वीडियो को प्रॉपर चेक करेंगे तो उसमें फ्रेंड्स आपको इसका एक पार्ट मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल एब्रेशंस, यानी कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द पेडिग्री एनालिसिस, यानी कह सकते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। इसे फ्रेंड्स हम लोग फैमिली ट्री के भी नाम से जानते हैं। ये फ्रेंड्स काफ़ी बार पूछा भी गया है कि पेडिग्री एनालिसिस को और फ्रेंड्स हम किस नाम से जानते हैं, तो फ्रेंड्स फैमिली ट्री के नाम से भी जानते हैं, जिसके फ्रेंड्स काफ़ी सारे सिम्बल्स भी होते हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स इसके सिग्निफिकेंस भी होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस विथ एग्जांपल, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इनहेरिटेंस के पैटर्न्स होते हैं उनका फ्रेंड्स एग्जांपल के साथ आपको फ्रेंड्स क्या करना है, तो डिस्क्राइब करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। ये फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चनों को नहीं लिखा है तो आप फ्रेंड्स इसका स्क्रीन शॉट लेते हो चलिए, जिससे फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पाएं, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स इसका शॉर्ट नोट भी बना पाएं। मैं फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन का आंसर जस्ट आपको जल्द से जल्द फ्रेंड्स प्रोवाइड भी करा दूंगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा और भी कितना क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, तो 8, 7, 15 और 4 फ्रेंड्स कितने हो गए, तो 19 क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर हो गए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स और भी यहाँ पर कितने क्वेश्चन बाकी हुए हैं। अभी जस्ट फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहा है, तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स चार क्वेश्चन और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये चार के चारों क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी बार, जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि काफ़ी बार फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 2002 में, 4 में, 7 में, 9 में, 13 में, और 2000 में, 2 में, 6 में, 10 में, 12 में, 7 में, 11 में, 12 में, 13 में, 15 में, इसी प्रकार से फ्रेंड्स काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं।
तो जस्ट फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए फ्रेंड्स के चार के चारों क्वेश्चन आखिरकार है क्या। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिव अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल पैथोजेनेटिसिटी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ ट्रिपैनोसोमा। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो फ्रेंड्स ट्रिपैनोसोमा होते हैं फ्रेंड्स काफी कह सकते हैं फ्रेंड्स इसी से निद्रा रोग लगता है। फ्रेंड्स कौन सा रोग लगता है, तो इससे फ्रेंड्स लोग कह सकते हैं कि सोने लगते हैं फ्रेंड्स ट्रिपैनोसोमा के ही कारण होता है। जस्ट फ्रेंड्स मुझे तो यही याद है फ्रेंड्स ट्रिपैनोसोमा के ही कारण कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो निद्रा रोग इसी से फ्रेंड्स होता है या फ्रेंड्स लोग इससे सोने लगते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अंतर्गत फ्रेंड्स पूछा गया है कि जो फ्रेंड ट्रिपैनोसोमा होती है फ्रेंड्स क्या आपके जो फ्रेंड ट्रिपैनोसोमा होती है इनके बारे में फ्रेंड्स इनके आपको स्ट्रक्चर को बताना है। फ्रेंड्स क्या बताना है, तो इनके फ्रेंड्स आपको स्ट्रक्चर को बताना है, इनके फ्रेंड्स लाइफ साइकिल को बताना है, इनके फ्रेंड्स पैथोजेनेसिटी के बारे में बताना है और इनको फ्रेंड्स हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि गिव अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ ट्रिपैनोसोमा। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड ट्रिपैनोसोमा होती है इनके फ्रेंड्स कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर से संबंधित, इनके लाइफ साइकिल से संबंधित, इनके फ्रेंड्स पैथोजेनिसिटी से संबंधित और फ्रेंड्स इनके कंट्रोल मेजर्स से कह सकते हैं कि संबंधित जितने भी आप तथ्य जानते हैं, जितने फ्रेंड्स आपके कथन जानते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स क्या करना है तो एक्सप्लेन करना। तो ये फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि गिव अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ गियरडिया। यानी फ्रेंड्स ये भी काफ़ी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फ्रेंड्स इससे भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन मैंने आप ही को कहते हैं कि हर साल की बोर्ड एग्जाम में मैंने फ्रेंड्स देखी भी है। तो इस कारण से फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना क्योंकि फ्रेंड्स जो जियारडिया है फ्रेंड्स इससे काफ़ी क्वेश्चन हर साल देखने को मिल भी रहे हैं। तो जो फ्रेंड्स जियारडिया होती है इनके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स क्या कि कह सकते हैं कि जियारडिया के स्ट्रक्चर के बारे में, इनके फ्रेंड्स लाइफ साइकिल के बारे में, इनके फ्रेंड्स पैथोजेनिसिटी के बारे में और इनके फ्रेंड्स हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है फ्रेंड्स तो कर सकते हैं कि एक्सप्लेन करना है फ्रेंड्स व्याख्या करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गिव अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल पैथोजेनिसिटी एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाउचेरिया। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स वाउचेरिया होती है या फ्रेंड्स उसे रेरिया भी कुछ लोग इसे कहते हैं फ्रेंड्स, तो जो उजे रेरिया होती है इसके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर के बारे में कि इनके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर कैसी होती है, इनके फ्रेंड्स लाइफ साइकिल कैसी होती है, इनके फ्रेंड्स पैथोजेनिसिटी क्या है और फ्रेंड्स इनको किस प्रकार से इनको कंट्रोल कर सकते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। तो जन फ्रेंड्स हमारे तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपके चौथा क्वेश्चन ऐसे ही देखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मार्क करूंगा तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको नहीं दिखाई दे। तो देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस बैक्टीरिया फंजाई एंड पैरासाइट्स। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे पैथोजेनिक कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फ्रेंड्स वायरस बैक्टीरिया फंजाई और जो फ्रेंड्स पैरासाइट होते हैं इन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना फ्रेंड्स तो शॉर्ट नोट लिखना है फ्रेंड्स, संक्षिप्त टिप्पणी करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, तो फ्रेंड्स 19 और 4 कितने हो गए फ्रेंड्स, तो 30 क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स आपको बता दिया, तो नियर अबाउट 25 क्वेश्चन के आसपास हो गए हैं। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप दोनों के दोनों कह सकते हैं जो फ्रेंड्स इसका पार्टीशन या फ्रेंड्स इससे पहले जो मैंने आपको पार्टीशन इसका प्रोवाइड करा था जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको नियर अबाउट उसमें भी फ्रेंड्स 23 क्वेश्चन ही बताए थे और फ्रेंड्स इसमें भी 23 क्वेश्चन हैं, तो टोटल मिलाकर फ्रेंड्स कहते हैं कि 46 क्वेश्चन हो गई यानी फ्रेंड्स नियर अबाउट 50 क्वेश्चन हो गए। तो मैंने फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन को आप ही को कल और आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया और फ्रेंड्स आप इन सभी का सोल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं या फ्रेंड्स आप थोड़ा बहुत भी इनमें कहते कि हार्डवर्क करना चाहते हैं फ्रेंड्स और अपनी पढ़ाई को फ्रेंड्स और भी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा भी हार्डवर्क करेंगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक का सॉल्यूशन पा सकते हैं। मैं इस कारण से फ्रेंड्स आपको सॉल्यूशन इस कह सकते हैं कि इस कह सकता हूं फ्रेंड्स कि इस महीने में इसलिए आपसे को नहीं दे रहा हूं या कह सकते हैं इस टाइम में आपसे को इसलिए नहीं दे रहा हूं जिससे फ्रेंड्स आपको सॉल्यूशन देने लगूंगा तो आप फिर फ्रेंड्स उसी पट्टी की जाएंगे और आप फिर कसने की अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग उसी को जस्ट देखेंगे और फ्रेंड थोड़ा बहुत पढ़ देंगे उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर रख देंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन इसलिए आप ही को दे रहा हूँ ये फ्रेंड्स जो मेहनत करेंगे वो तो फ्रेंड्स आगे कह सकते हैं कि निरंतर जाना ही जाना है। ये फ्रेंड्स वो क्वेश्चन को आधा देख रहे हैं फ्रेंड्स किसी तरीके से नहीं कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वो तो खुद जाने किस तरीके से अपने नंबर को अचीव करेंगे।
लेकिन फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन इसलिए आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को एक बार देखें और फ्रेंड्स उनका शार्ट नोट या फ्रेंड्स आप लोग कसने के लॉन्ग नहीं ढूंढ सकते तो फ्रेंड्स तो शार्ट तो कम से कम ढूंढ ही सकते हैं। आप लोग शार्ट ढूंढिए उनके बाद फ्रेंड्स कुछ ना कुछ लिखिए, कुछ ना कुछ फ्रेंड्स आप लोग पॉइंट लिखेंगे तो हो सकता है फ्रेंड्स आपको कोई कुछ नए तथ्य मिल जाए, कुछ नई जानकारियाँ मिल जाए जिससे फ्रेंड्स और भी थोड़ा आप अपनी पढ़ाई को इंप्रूव कर सकें और बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क को अचीव कर पाएँ। तो ये फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से फ्रेंड्स मैंने आप सभी को काफ़ी सारे क्वेश्चन इस बार में बता रहा हूँ। जस्ट फ्रेंड्स आप सभी को बॉटनी की भी बताऊंगा या फ्रेंड्स आप कमेंट करते हैं तो केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही डीपली आप सभी को समझा भी दूंगा कि कुछ क्वेश्चन में फ्रेंड्स आकर पूछा क्या जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, जरूर से जरूर ये फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप नए हों या पुराने और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें और ज़्यादा फायदा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स कमेंट के आप सभी को मैं फ्रेंड्स देखते हुए फ्रेंड्स बहुत सारी वीडियो आप सभी को मैं आप सभी के लिए बना चुका तो प्लीज़ आप लोग कमेंट डेली करते रहिए। हर एक कमेंट को मैं बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ और फ्रेंड्स हर एक का रिप्लाई भी देता हूँ। और ज़्यादा फायदा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने कहने की फ्रेंड्स में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।